अभी वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पे जो बैठक हुई है संभावित मंत्रियों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हाथ में माइक है और एक ब्लूप्रिंट शायद उनके हाथ में नजर आ रहा है और शायद उन संभावित चेहरों से जिस तरीके से आप जानकारी दे भी रहे थे कि आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है, जिस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़े थे 2047 तक विकसित भारत होगा, 100 दिनों का रोड मैप क्या रहने वाला है, चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी, आपको जिम्मेदारी जरूर दी जा रही है लेकिन उन्हीं जिम्मेदारियों को आपको बाखूबी निभाना है, आगे बढ़ना है और तमाम जो संभावित चेहरे हैं ये मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में शामिल होने जा रहे हैं। ध्यान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र को सुन भी रहे हैं और शिवानी हमने वक्त वक्त पर देखा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम मंत्रियों के साथ इसी तरीके से मुलाकात करते हैं और अभी तो पहला पड़ाव लिया नहीं है क्योंकि शपथ अभी तक ली नहीं है, ये वो संभावित चेहरे हैं, क्या पोर्टफोलियो मिलने वाला है, क्या जिम्मेदारियां रहने वाली है, इसका प्रारूप तो अभी तय होना है लेकिन उससे पहले ये खास मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और वो संभावित चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनते हुए। तो ये प्रक्रिया है और चार से उन संभावित जो ठीक है सामने हैं उसमें कई सारे रामदास अठावले को आप यहाँ पर देख रहे हैं और कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पहले रह चुके हैं मंत्री पद संभाल चुके हैं लेकिन एक बार फिर से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कई सारे नए चेहरे भी उसमें शामिल हैं, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर होंगी लेकिन इस बार बड़ी चुनौती भी होगी। चुनौती इसलिए क्योंकि बीजेपी 240 अंक तो उसके पास है ही लेकिन जेडीयू और टीडीपी को भी इसको साथ लेके यहाँ पर चलना होगा। विक्रांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, विक्रांत वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं चाय पार्टी की जो हुई है, प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं इन तमाम चेहरों को यहाँ पर लेकिन पूरी कोशिश की गई है। विक्रांत क्या कहेंगे आप, उत्तर हो दक्षिण हो पूर्व हो या फिर पश्चिम हो, हर जगह से हर चेहरे को साधने का प्रयास, हर चेहरे को साथ लाने का प्रयास इस मंत्रिमंडल में दिख रहा है। देखिए बीजेपी के बारे में कहा जाता था पहले कि वो हिंदी पट्टी की पार्टी है, केवल उत्तर भारतीयों की पार्टी है, हिंदी बोलने वालों की पार्टी है लेकिन अब बीजेपी ने जिस तरीके से पैन इंडिया अपना जाल फैलाया है, बीजेपी पैन इंडिया पहुंच हुई है, बीजेपी की तमिलनाडु एक ऐसा राज्य रह गया जहाँ पर पार्टी हालांकि जीत नहीं पाई लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि तमिलनाडु में बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा और वहाँ पर अन्नामलाई जो पार्टी के एक चेहरा बनकर सामने आए थे उनको भी आज इस चाय पार्टी का न्योता मिला। केरल जहाँ पर सुरेश गोपी पिछले दो बार से कोशिश कर रहे थे, वो 2014 में भी चुनाव लड़े, 19 में भी चुनाव लड़े, दोनों बार हार का सामना करना पड़ा लेकिन अब जाकर के तीसरी बार में उन्होंने केरल में भी कमल खिला दिया। तो केरल जहां पर कहा जाता था कि लेफ्ट का गढ़ है, कांग्रेस के साथ उसका सीधा मुकाबला होता है, वहां पर केरल में बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब हुई, अब वहां पर संगठन का विस्तार करना है तो वहां से सुरेश गोपी जिसको केरल के लोगों ने जिताकर भेजा उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना, ये एक संदेश देता है कि बीजेपी अब हिंदी पट्टी या नॉर्थ बेल्ट की पार्टी की भूमिका जो कहा जाता था, जो एक तस्वीर बनाई जाती थी उससे कहीं आगे निकल गई है और अब वो पैन इंडिया मंत्रिमंडल में भी झलक दिखाई देती है और जिस तरीके से अपने सहयोगियों को जो आंध्र की चाहे TDP हो या फिर बिहार की JDU हो उनको भी जगह मिली, बाकी तमाम जो दल हैं चाहे पूर्वोत्तर के दल हों सहयोगी दल उनको भी शामिल किया जाना और यहाँ पर भी तमाम राजनीतिक दल जो सहयोगी दल हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा उनको समाहित करने की कोशिश की गई। एक NCP के बारे में कहा जा रहा है कि NCP थोड़ी नाराज है लेकिन मुझे लगता है कि वो भी मामला सुलझा लिया जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी ये एक तात्कालिक नाराजगी जरूर होती है जब मंत्रिमंडल या कोई बड़ा फैसला होता है लेकिन जब आगे की रणनीति पर विचार होगा तो ये चीज़ें सुलझा ली जाएंगी। तो निश्चित तौर पर आइडियल मंत्रिमंडल भी वही होता है जिसमें पैन इंडिया झलक दिखाई दे, हर राज्य नजर आ रही है। यतेंद्र मैं आपसे समझना चाहूंगी, इससे पहले जब भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्ट्रॉन्ग शासक के तौर पर देखा है तो उनकी फुल पावर गवर्नमेंट रही यानी कि उन बहुमत का आंकड़ा उनके पास था लेकिन इस बार जो है गठबंधन दल निभाते हुए तमाम सहयोगियों को साथ भी रखना है, कोलेशन गवर्नमेंट को आगे किस तरीके से बढ़ाना है उसकी एक झलक तो हमने देखी ली है लेकिन क्या थोड़ी बहुत चुनौती रह सकती है, हालांकि देखिए पहला पड़ाव तो अब पार कर ही लिया है, तमाम जो चेहरे हैं उनको साथ लाया भी गया है और नाराजगी भी देखने को नहीं मिली है। देखिए यही खासियत है प्रधानमंत्री मोदी की क्योंकि जब बाकी ये खबरें आ रही थी कि प्रेशर है, प्रेशर टैक्टिक अपनाई जा रही है तो न्यूज़ 18 इंडिया ने ही पहले दिन से ही ये बोला था कि कोई भी डिमांड सहयोगी दलों की नहीं है, जहां तक सहयोगी दलों को साथ देने की बात है उनकी हिस्सेदारी की बात है तो जब पूर्ण बहुमत था चाहे पहले कार्यकाल को देखें दूसरे कार्यकाल को देखें उसमें भी सहयोगियों को जगह दी गई थी, उसमें भी उनको मंत्रिमंडल में बाकायदा उनकी हिस्सेदारी दी गई थी और ये भी अब तीसरे कार्यकाल को देखेंगे तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो प्रेशर की
बात थी वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, चाहे कोई 16 सीट TDP ने जीती है चाहे 12 JDU ने जीती, एक कैबिनेट एक MOS यानी कि 2 से 3 लोगों को ही जगह दी गई है। जहाँ चार चार पोर्टफोलियो की बात कही जा रही थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स को और MOS को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही थी, वो इससे जाहिर है कि किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। जिस तरह से पहली और दूसरी सरकार चलाई, जिस तरह का मंत्रिमंडल बनाया, उसी तरह का मंत्रिमंडल इस बार देखने को मिल रहा है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर टैक्टिक के। जो जिस तरह का स्वरूप होना चाहिए मंत्रिमंडल का, चाहे पहला और दूसरा कार्यकाल देखिए, उसी तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें कहीं भी किसी भी तरह की जो बार बार अपोजिशन के द्वारा या जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं भी शपथ को लेकर कहीं देरी नहीं की गई। NDA की मीटिंग जो बुलाई गई और NDA की मीटिंग बुलाकर जो संसदीय दल का नेता चुनना, ये कहीं भी देरी नहीं हुई, फटाफट जैसे ही रिजल्ट आया। ये बातें तो इसीलिए आई क्योंकि कल जिस तरीके से जयंत चौधरी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बैठे थे, इसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बना लिया कि जयंत चौधरी को जो है इस तरीके की प्राथमिकता नहीं दी गई जैसे नीतीश कुमार को दी जा रही है, चंद्रबाबू नायडू को दी जा रही है। आपने चिराग पासवान को भी देखा कि किस तरीके से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की। अब विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरीके की बातें तो उन्होंने इसीलिए उठाई कि प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा प्रेशर नजर नहीं आ रहा है आज। देखिए, बिल्कुल तस्वीर के दो पहलू होते हैं और वो दो या सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। एक पहलू देखा कि उन्हें जगह नहीं मिली, लेकिन क्या उस सिक्के के दूसरे पहलू में कहीं उन्होंने नाराजगी जताई? क्योंकि उसका रीजन था, अगर आप देखेंगे उस डाइस पर केयर लगने की व्यवस्था, कोई भी जिसने भी वो डायस की तस्वीरें देखी, लेकिन एक संविधान की संविधान भी वहां पर रखना था, तो एक बड़ी मुश्किल से सेट करके आगे पीछे करके उन 13वीं कुर्सी को भी जगह दी गई, 14वीं कुर्सी वहां पर नहीं लग सकती थी। और ये बात जब वहां पर ये मैनेजमेंट किया जा रहा था तो जयंत चौधरी को बताया गया था, जयंत चौधरी भी उससे संतुष्ट थे, उन्होंने खुद ही कहा था जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो सामने बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि एक महिला को भी वहां पर जगह देनी थी, अनुप्रिया पटेल को एक महिला चेहरा भी वहां पर दिखाना था, तो ऐसे में तय किया गया महिला अनुप्रिया पटेल रहेगी। और क्योंकि जीतन राम मांझी भी एक दल के सांसद थे लेकिन वो एक्स CM रहे हैं, तो उनका भी वहां पर सम्मान, उनको वहां जगह देना जरूरी था। तो जयंत चौधरी ने खुद जो सूत्र दावा कर रहे हैं उन्होंने खुद ये विक्रांत जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे पूछूंगी। विक्रांत जी, देखिए इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अब ये चुनौतीपूर्ण कोलिशन भी है, क्योंकि अब बीजेपी को यहाँ JDU को भी सुनना है, उनको TDP को भी सुनना है, और जिस मिशन के साथ यहाँ पर लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही थी वो मिशन था एक देश एक चुनाव, UCC का जिक्र इसमें लगातार आया, क्योंकि UCC आप बुलाएंगे, लागू करेंगे या फिर नहीं, इसको भी आप तालमेल बिठाकर ही सब कुछ सबको सुनकर साथ चलना होगा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब सबको सुनना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और अग्निवीर का मुद्दा तो अभी से उठने लगा है। विक्रांत, देखिए इस मामले में मैं आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को NDA संसदीय दल का नेता चुना गया, तमाम NDA के साथी संसद भवन परिसर में जब संविधान भवन में पहुंचे थे, वहां पर जब प्रधानमंत्री को चुना गया था अपना नेता, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। और वैसे आपने अगर NDA की पिछली सरकारों को भी देखा, चाहे हम पिछले कार्यकाल की बात करें, तो BJP के पास पूर्ण रूप से बहुमत था, उसके बावजूद BJP ने NDA के सहयोगियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह दी थी। और इस बार क्योंकि BJP के अपने बूते पूरा बहुमत नहीं है, NDA के साथी उनके साथ साथ हैं, और यह गठबंधन कोई चुनाव के बाद बना हुआ गठबंधन नहीं है, चुनाव से पहले ही गठबंधन बन गया था। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में, क्योंकि कई ऐसी बड़ी चीज़ें जो BJP के एजेंडे में भी हैं, अब उनको एक तरह से सबसे बात करके, और क्योंकि लोकसभा की भी तस्वीर बदली है, विपक्ष भी मजबूत हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों का असर अब अगले सत्र से हमें देखने को मिलेगा। BJP की कोशिश ये है, प्रधानमंत्री ने भी ये साफ किया है कि वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो ये एक उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जब संसद सत्र चले तो ज़्यादा सार्थक बहस के साथ वहाँ पर पास होते हुए दिखाई दे। और विक्रांत, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह भी रही है आज के मंत्रिमंडल में, कुछ चेहरे तो चल ही रहे थे, जैसे न्यूज में चल ही रहे थे, हम लोग भी चलवा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनका जिक्र तक नहीं हुआ। अब रवनीत सिंह बिट्टू है जो चुनाव आ रहे भी, लेकिन फिर भी उनको मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों में उन्हें शामिल किया जाना, ऐसे कई और चेहरे जैसे जो सहरावत है जो दिल्ली से चुनाव लड़ी पहली बार, उन्हें भी जो है तर्जिया दी जा रही है। ये इस तरीके की प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, दूरदर्शिता कहीं ना कहीं आपको दिखाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
देखिए बीजेपी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो जहां पर है वहां पर मजबूत रहे और जहां पर वो उसका अस्तित्व अभी नहीं है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। केरल का उदाहरण, क्योंकि सुरेश गोपी पिछले तीन, ये उनका तीसरा चुनाव था, दो बार वो लगातार हारे, एक बड़े फिल्म स्टार थे, वहां पर उनकी बहुत बड़ी लोकप्रियता है, उसके बावजूद दो चुनाव वो बीजेपी के झंडे के तले हारे, 14 में हारे, 19 में हारे, लेकिन अब जाकर के जनता ने उन्हें जीत दी। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों को हरा करके उन्होंने ये जीत हासिल की। अब उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। पंजाब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि पंजाब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब पर ज़्यादा केंद्र सरकार ध्यान भी रखना चाहती है। रवनीत पिट्टू चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी एक भी सीट पंजाब में जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। अब रवनीत बिट्टू को शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, एक तरह से पंजाब के लोगों को भी यह संदेश दिया जा रहा है कि रवनीत बिट्टू भले ही संसद नहीं पहुंच पाए लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ये दिखाने के लिए कि आप लोगों का भी प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहेगा। तो एक तरह से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है लोगों के साथ वो प्रधानमंत्री के इन फैसलों के जरिए देखने को मिलेगी। जी विक्रांत, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। तो देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को आप देख पा रहे हैं, ये क्योंकि एक तरफ तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये नई कैबिनेट की तस्वीर होगी पीएम आवास पर जो बैठक हुई है, और गजेंद्र सिंह शेखावत को आप दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं, रिलैक्स थोड़े नजर आ